गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के बज रहे 7 और हम यहीं पे सोए थे। ये नज़ारा है, अभी जो मैंने ड्रोन उड़ाया इसी जगह पे उड़ाया था अभी ड्रोन। दोनों यहीं पे सोए थे रात भर, और कोई चारा नहीं था, सोना बेहद ज़रूरी था, तो ये सेफ जगह थी, वो है ओगी। अब निकलेंगे सिलीगुड़ी के लिए, आई थिंक जल्दी पहुँच जाऊँगा सिलीगुड़ी। जल्दी तो नहीं, अभी भी 17-18 घंटे का रास्ता है, फिर भी कोशिश करूँगा जल्दी पहुँचने की। आज रोड पे नहीं सोना मुझे, होटल में ही सोना है आज। बहुत दिक्कत हुआ सोने में भी। सुबह का सूरज इतना अच्छा लग रहा है दिखने में, देखो अभी इसका उधम है। डर ही लगता है इसे निकालने में। सब स्टे स्टे, देखो देखो देखो, सब भागता है ना ये, बाप रे बाप। बस बस आस्ते आ। आई मस्ट से कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रोड है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है रोड। यू नो कंपेरेटिवली अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो उससे तो काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट लखनऊ एक्सप्रेसवे के जैसा ही है। स्मूथ है सरफेस, ज़्यादा बाउंसी नहीं है रोड, एंड इट्स वेरी वेरी गुड टू ड्राइव। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके पास पेट है और अगर आप स्टे करने की सोच रहे हो तो देन गोरखपुर पे ही स्टे करना पड़ेगा। अदरवाइज मैंने ट्राई किया था ऑनलाइन, आजमगढ़ मुजफ्फरपुर नगर, वहाँ पे पेट फ्रेंडली होटल्स मुझे नहीं मिले। Fall in love with you a little bit more, little bit more. पौने 9 बज गए, ओगी को खाना खिलाना पड़ेगा अभी। मैं तो चलते चलते खा लूँगा, बट बेचारे को तो खिलाना है ना। स्टे, देखा सामान पूरी गाड़ी पैक्ड है। उसको दवाई, ये एक है, ये दूसरा। चुपचाप एक जगह से टिकता नहीं है तू। नो ना, चटाचटी कोड़बे ना, चटाचटी कोड़बे ना बाबा। सरो, चलो बैक, पीछे जाओ, पीछे पीछे गो। नष्ट कर देना, गुड बॉय। मैंने सोचा था कि आज सिलीगुड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे, बट माय बैड लक, अभी भी मैप में दिखा रहा है 12:07 बजे रात को, 16 घंटे का ड्राइव है। ओ माय गॉड, मैं पता नहीं मैं आज भी कैसे फिक्स करूंगा ये। एंड गाड़ी में सोना, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो मैं ना शायद ब्लॉग में आज ध्यान नहीं दूंगा, मैं आज रोड पे ध्यान दूंगा, एंड आई विल ड्राइव लाइक एनीथिंग। मुझे 12 बजे जैसे भी सिलीगुड़ी पहुंचना है, एंड आई नीड टू टेक रेस्ट। यार रोड पे तो होना था कम से कम पेट्रोल पंप, तो मुश्किल हो गया। अब मेरी गाड़ी दिखा रही, वही बात है, हाँ रहना तो चाहिए था। अब मुश्किल से मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर चल पाएगी, अगर 100 किलोमीटर के अंदर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। कितना, एक सेकंड रुको, क्या कह रहे हो? अभी 16-17 किलोमीटर है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप तो आगे था। ओह अच्छा, पेट्रोल पंप पीछे आ गया। अच्छा तो आप घुमा भी नहीं सकते? आगे से घूम सकते हैं, फिर पीछे जाके फिर घूम के आ सकूंगा ना मोरने के लिए 4.5 किलोमीटर और। हाँ। तो क्या करूं, मोरू या फिर आगे जाऊं? नहीं, तेल भरवाना है तो आगे जाना पड़ेगा। आगे जाना पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। अरे मैं ना ध्यान नहीं दिया, देखो मैं सोचा पेट्रोल पंप तो होगा जरूर, अब 136 दिखा रहा है रेंज, उससे तो काम चलेगा नहीं। अब पूछा तो वो कह रहे कि नहीं,
यहाँ पे पेट्रोल पंप है ही नहीं। ओ गॉड, अभी फिर मुझे घूमना पड़ेगा वहां से, घूम के फिर पेट्रोल लेके, ओ वेस्टेज ऑफ टाइम यार, दिमाग खराब है, बुरा फंस गया। अब तो पता नहीं कितनी दूरी पर है ये पेट्रोल पंप। पेट्रोल टैंक अगर छोटा होता है ना तो लॉन्ग ड्राइव पे ना ये एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। दूर दूर तक मुझे पेट्रोल पंप नजर नहीं आ रहा, मैं उल्टा जा रहा हूँ लखनऊ की ओर, मुझे फिर यू टर्न भी लेना है। अब यू टर्न लेने में पता नहीं और कितनी दूर भागना पड़ेगा। सोचा 12 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा सिलीगुड़ी। अब देखो पेट्रोल पंप का साइन तो दिख गया, दैट मीन्स इस साइड है पेट्रोल पंप, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पेट्रोल लेने के बाद फिर मुझे ना यू टर्न लेने का रास्ता मिल जाए, बस वो रहा पेट्रोल पंप। भैया फुल कर दो पेट्रोल। हाँ पेट्रोल नॉर्मल, नहीं नहीं नॉर्मल नॉर्मल है ही नहीं, स्टॉक खत्म हो गया। अच्छा डाल दो, अब क्या करें, मजबूरी है। ये मजबूरी का फायदा तो नहीं उठाते हो ना प्रीमियम बेचने के चक्कर में? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है सर। मिल गया यू टर्न। हाँ भाई, नहीं मैं 14 किलोमीटर क्यों जाऊँ, ये सामने है ना। देखा गूगल माता हमेशा ठगने के चक्कर में रहता है। ये देखो इतना सामने है यू टर्न और मुझे कह रहा है 14 किलोमीटर और चलो। थैंक गॉड, चलो ओगी पीछे आसो, बंद कर दो हमें हम ऐसी चली दीची। मुझे जाना है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी हाँ, तो ये एक्सप्रेस पे निकल जाएगा? नहीं, 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 नहीं।, नहीं निकलेगा ना, यही से जाना पड़ेगा मुझे। मैं सोचा शायद गूगल मुझे गलत निकाल दिया। नहीं, नहीं, नहीं। सही है फिर, ओके धन्यवाद। ओगी ने गाड़ी में सुसु कर दिया इसने। ये मुझे मौका ही नहीं मिला मुझे बाहर निकालने को ना इसे। अब हाईवे पे निकालना, आप देखते हो ना कैसे भागता है ये। वो करना पड़ेगा नहीं तो ना ये बिल्कुल सूखेगा नहीं और गन मारेगा ये। ऐसे ही रखना पड़ेगा इसे ताकि धूप और हवा लग के ना सूख जाए, नहीं तो फिर उसके लिए भी परेशानी होगा। ओगी चलो इधर, चलो चलो पॉटी कर ले, अब गाड़ी में पॉटी मत कर। फिर कर रहा है पॉटी, कर रहा है। समझ में नहीं आता इनको पॉटी कब आती है, सुसु कब आती है। जितने बार निकालो उतने बार सुसु, उतने बार पॉटी। हाँ हाँ ठीक है, बाप रे बाप। चलो 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 आगे चलो, लेट हो गया बे बाबा। चलो चलो गुड बॉय, चलो गुड बॉय, आसो चलो अपन गाड़ी से चलो। पटना 123 किलोमीटर, छपरा 114, वी आर इन बिहार राइट नाउ। अभी दिक्कत ये हो गया ना कि अंदर बहुत ज़्यादा बदबू हो रही है, तो ये गद्दा मुझे फेंकना पड़ेगा अभी, और उपाय है नहीं। ये सूखेगा नहीं, सुखाऊं भी तो कैसे सुखाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ना हर 2 घंटे में इसे निकालना पड़ेगा, हर 2-3 घंटे में सुसु पॉटी करने के लिए। बना दो चाट, एक चाट। यही है क्या? नो नो बाबा, सेलिब्रिटी का फोटो खींचा जा रहा है अभी। तो वो रुई वाला गद्दा है क्या आपके पास, यहाँ आसपास मिल जाएगा कहीं? रुई वाला गद्दा बनवाना पड़ता है। अच्छा बनवाना, रेडीमेड नहीं मिलता है? लीजिएगा तो मिले, बिछाने वाला बिछाना है। दिखाइएगा कैसा, बेड पे ना? हाँ कैसा है दिखाइए। इससे मोटा 480 के, बड़ा हो जाएगा वो। पता नहीं मेरे साथ गूगल की क्या दुश्मनी है, मतलब जब भी मैं बिहार आता हूँ हर बार ऐसे रोडों से ले जाती है मैप, हालत खराब हो जाता है। तब से इसी रोड पे फंसा हुआ हूँ मैं 1/2 घंटे से, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चल रहा हूँ। ऐसा हाल रहा था, मैं 2 बजे भी नहीं पहुँच पाऊंगा। मैं बाई रोड अभी तक लेके 3 या 4 बार हो चुका है मुझे, हर बार मैं बिहार में फंसा हूँ, हर बार। हालत देखो जरा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द पहुँचूँ और ये गूगल की। ऐसे तो पूरा जिंदगी निकल जाएगा हो सिलीगुड़ी पहुँचते पहुँचते। कब सिलीगुड़ी पहुँचूंगा, कब अरुणाचल पहुँचूंगा, लग रहा है बिहार में ही जिंदगी बीत जाएगी अब। ललुआ ये रोड और कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, वही पुल रोक रहा है। वो अच्छा वो पुल रोक रहा है ना, वही मात्रा तो भाग जाएगी। देखो तमाशा देखो भैया, ये है बिहार के लल्ला।
बाय बाय। क्या कह रहे हो? सेल्फी 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 चाहिए। अरे बाप रे यार सेल्फी चाहिए ने, सेल्फी चाहिए। अरे यार रुक जाओ, अभी आप कहाँ जा रहे हो? अरुणाचल। स्टे 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 बाबा स्टे। नाम क्या है आपका? आयुष सिंह। हाँ आयुष सिंह ही पर है भाई। आयुष सिंह। अच्छा अभी भैया क्या नाम है? अभि सिंह। अभि सिंह चलो। थैंक यू। ये पूरा इग्निस का ऑफ रोड टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। बाप रे बाप। मैंने दो मैप इकट्ठे चलाया है, एक यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है गूगल मैप, यहाँ पे चल रहा है एप्पल मैप। और डिफरेंस देखिए, ये दिखा रहा है 8 घंटा 54 मिनट्स, ये दिखा रहा है 7 घंटा, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस दिखा रहा है। उसी रूट पे जा रहा हूँ, गूगल जो है रीराउट कर रहा है, एप्पल जो रूट दिखा रहा है वो रूट वो दिखा ही नहीं रहा है, वो खुद अपना ही दिखा रहा है रूट। आज गूगल के वजह से मैं इतना लेट हो गया। मन तो करता है ना मैं ऐसा गाली बकूं, लेकिन बकूं भी तो किसको। शॉर्टेस्ट वे हमें नहीं चाहिए, शॉर्टेस्ट रूट बता के ये तंग गलियों से ले जाता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, गूगल मैप और एप्पल का इस पे मैप में मैंने सेम डेस्टिनेशन मैंने सेट किया, सिलीगुड़ी जहाँ जो मेरा होटल है, होटल का मैंने डेस्टिनेशन दोनों पे सेट किया, एंड जो रूट है वो दोनों का सेम दिखा रहा है। टाइम में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों दिखा रहा है? गूगल मैप में दिखा रहा है 8 hours 47 minutes और किलोमीटर है 378, और एप्पल मैप में दिखा रहा है किलोमीटर 375, जो किलोमीटर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 70 and 75 3 kilometers का फ़र्क है, बट टाइम में इतना ज़्यादा फ़र्क है। एप्पल में दिखा रहा है 6 hours 35 minutes, यहाँ पे 8 hours 47 minutes, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 घंटे का फ़र्क है। शायद ऐसा हो सकता है कि गूगल आगे जाके डाइवर्ट कर दे रोड को कहीं और से, जो गूगल का आदत है। आई होप ये हो सकता है। मैं अभी मैप बंद नहीं करूँगा, तो मैं दोनों को चालू रखता हूँ, एंड लेट्स सी गूगल क्या खेल खेलता है। पुलिस का कुत्ता है। आई न्यू इट कि गूगल पलटी मारेगा। पीछे टोल था, टोल के पीछे एक रोड डाइवर्शन था, गूगल वहाँ से डाइवर्ट कर रहा था, बट एप्पल जो है बिल्कुल सीधा सीधा लेके जा रहा था मुझे, और सामने टोल था। आई थिंक गूगल वॉज ट्राइंग टू अवॉइड टोल, बट किसने कहा भाई टोल अवॉइड करने के लिए? मैंने थोड़ी कहा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखा नहीं टोल अवॉइड और टोल अवॉइड करने के लिए, सीधा सीधा ले जाओ। पता नहीं गूगल को क्या दिक्कत है सीधे सीधे रास्ते, आराम मतलब एक साफ सुथरी रास्ते में लेके जाने के लिए। नहीं, गूगल को मतलब उसको अंदर गली में ही घुसाना है और कहेगी यू आर इन द फास्टेस्ट रूट, तेरी 2 घंटे ही लेट कराएगा गूगल मुझे। ऑलरेडी लेट करा चुके हैं, बस पता नहीं क्यों मैंने एप्पल नहीं चलाया मैप। इसी तरह पूरे रास्ते में गूगल मैप को कोसते हुए पहुंचा अपनी मंजिल सिलीगुड़ी रात के 3 बजे।